हाँ जी, तो फिर कैसे है सब? वेलकम बैक हो गया तुम सबका अनदर व्लॉग के साथ। तो अभी तक तुम लोगों में से किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, बेल आइकन को भी दबा दो। अच्छा है, तो फाइनली यार ईद मुबारक तुम सब लोगों को। आपके भाई ने बस ईद कह दी आप लोगों को, पांचवे दिन ईद कह रहा हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो यार? सॉरी यार, आपका भाई बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका हुआ था कुर्बानी कही। आपके भाई ने जिस दिन माशाल्लाह कुर्बानी लेके आए थे उसे अगले दिन भी चांद रात वाले दिन भी व्लॉग बना के वो डिलीट कर दिया। उसके बाद ईद वाले दिन भी व्लॉग बना के डिलीट कर दिया। चलो कोई बात नहीं, अपने भाई को इतनी सी तो इजाजत दे दो ना। अब आपका भाई व्लॉग बना के डिलीट कर रहा है, देख लो आपके भाई के साथ। यार वो थोड़ा बहुत ना वो कुछ ऐसा मैं इमोशनल हो गया था कि मुझे रोना आ गया था। तो आप लोग देखते तो आप लोगों ने ज्यादा रोने लग पड़ना था। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। इस वजह से आपके भाई ने वो दोनों डिलीट कर दिए, ठीक है। तो वेलकम बैक हो गया तुम सब कहना व्लॉग के साथ। तो यार आज आपके भाई का प्लान है, आज हम लोग जा रहे हैं कलर का हार इंजॉय करने के लिए। हमने सोचा कि यार बस थक थक गए हुए हैं यार कुर्बानी की, उसके बाद घूमने फिरने कहीं पर भी नहीं गए, तो चलो आओ निकलते हैं घूमने फिरने के लिए। तो हमारी गाड़ी शाड़ी रेडी हो चुकी हुई है, तो चलो आओ निकलते हैं अब। फाइनली तो हम लोग पहुंच चुके हैं ये पहाड़ियों इलाके में, ठीक है। इससे आगे तकरीबन 20 किलोमीटर कलर का हार है, ठीक है। तो हमने सोचा क्यों ना इधर रेस्ट कर ली जाए और कुछ गाड़ी शाड़ी में पानी शानी डाल लिया जाए। आपके भाई ने गाड़ी शाड़ी में पानी शानी भर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो अब कुछ, वैसे भी आज माशाल्लाह जुम्मे का टाइम है और जुम्मे का भी टाइम हो चुका हुआ है, तो जुम्मा इस बात पढ़ लेते हैं, मस्जिद वो रही जुम्मा भी पढ़ लेते हैं और गाड़ी को भी रेस्ट मिल जाएगी। तो चलो आओ जुम्मा पढ़ते हैं और फिर चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो जुमा पढ़ के हम लोग फारिग हो चुके हुए हैं। तो अब हम लोग जाने लगे हैं कलर खार। तो अब सबसे मुश्किल जो सी ड्राइविंग है वो ये होती है, ठीक है, कलर खार की। जो पहाड़ी चढ़ते हैं सबसे मुश्किल डिफिकल्ट ये ड्राइविंग है, ठीक है। तो चलो खैर के लिए इंशाल्लाह उधर पहुँच के तो फिर मिलते हैं आपसे। फाइनली तो यार हम लोग पहुंच चुके हुए हैं कलर का हार की मेन पहाड़ी के ऊपर। हाय हाय हाय, चेक कर सकते हो क्या लेवल किस्म का व्यू आ रहा है, मजे यार भाई जी। अब हम लोग का नेक्स्ट प्लान बन चुका है, हम लोग आगे जा रहे हैं झील के ऊपर। तो झील में सुना है कि ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। तो हम लोगों ने कलर का हार की पहाड़ी तो देख देख के थक गए थे, अब इसके आगे क्या देखने वाला, कोई चीज देखने वाली नहीं है। तो सोचा क्यों ना आगे झील चलते हैं, तो आपको झील चल के मिलते हैं। फाइनली यार तो हम लोग उस झील पर पहुंच चुके हुए हैं, इसका नाम पता नहीं खैबी झील है यार। ये कलर का हार से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और इतनी कोई बकवास किस्म की झील है ना यार, अगर तो हमारे साथ धोखा हो गया। हम लोग प्लान बना के आए थे कि यार बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, अच्छी होगी, देखने वाली होगी, तो ये तो सिर्फ वही झील है जैसे कलर का हार की एक टाइप की झील थी।
बट कोई नहीं, पब्लिक ज्यादा आई हुई है। लेकिन हम लोग जिस रास्ते से आए हैं, हम लोगों को तकरीबन 3 घंटे प्लस हो चुके हुए हैं, 3 घंटे से ज्यादा हो चुका हुआ है। हम लोग जलील होते 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 इधर पहुंचे हैं, ठीक है। और अब वापसी जाने के लिए ना हमें बहुत मुश्किल है, और रोड भी इस तरीके का है, ये देख सकते हो आप लोग ऊपर नीचे, ठीक है। और बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए इधर से वापस जाना। तो अब हम लोग इधर इतनी ज़्यादा जल्दी स्टे नहीं करेंगे, इधर 1 मिनट के लिए भी नहीं करेंगे, निकलना पड़ेगा हम लोगों को अब अपने घर के लिए। घर कह रहा हूँ कि हम लोगों को अब इधर से मोटरवे के लिए निकलना पड़ेगा। तो चलो आओ चलते हैं, तो फिर चल के मोटरवे पे ही मिलते हैं, क्योंकि इधर अब इतनी कोई खास जगह तो है नहीं है। हमें तो किसी ने मशवरा दिया था जब हम लोग पिछली दफ़ा इधर कलर का हार आए थे ना, किसी ने बताया था कि बहुत अच्छी झील है, जाके देख के आना। तो हम लोग देखने के लिए आए, कोई मज़े वाली झील ही नहीं है, कोई चीज़ देखने वाली नहीं है। चलो आओ चलते हैं, फिर मिलते हैं। 2000 years later. तो यार मैं कहता हूँ थक गए हैं, आखिर किस्म का चेक करो। अभी भी हम लोग पता नहीं कि कौन से लीला इंटरचेंज पे अभी जाने के लिए अभी तकरीबन 30 किलोमीटर और जलील होना पड़ेगा। आगे बहुत ज़्यादा जलील हो चुके हुए हैं, अभी और जलील होना पड़ेगा हम लोगों को। डैडी साहब इंजॉय कर रहे हैं जी सारे, मैं कहता हूँ खीर हो गया, तंग आ गया हूँ मैं तो, बैठ बैठ के भाई जी फट गई है। चलो निकलते हैं, टाइम भी ऊपर से हो चुका हुआ है, 6 बज गए हैं, तो चलते हैं घर अभी, बल्कि इंटरचेंज पर जाना है, फिर उधर से कुछ सिस्टम बनाते हैं। A few moments later. तो हम लोग पहुंच गए हैं इंटरचेंज के ऊपर, ठीक है। अब हम लोग इधर से खाना खाने लगे हैं, ऑर्डर कर दिया हुआ है। देखो अभी ये सामने पहाड़ भी आपको नज़र आ रहे होंगे, तो पास में ही है, अभी इतना दूर भी नहीं है। चेंज कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो आप जल्दी से कुछ खा भी लेते हैं और फिर निकलते हैं घर के लिए। जो खाना ऑर्डर किया था वो खाना आ चुका हुआ है हम लोगों का, तो जल्दी से इसको खाते हैं और चलते हैं फिर। माई फेवरेट बिरयानी आ चुकी हुई है, चलो ट्राई करें और खाएं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। फाइनली तो यार हम लोग घर पर आ चुके हुए हैं, ठीक है। तो यार कसम से मैं कहता हूँ जलील होने वाला आज प्रोग्राम था हम लोगों का। हम लोग गए थे कोई झील झील देखने, पता नहीं क्या नाम था, मैं सर्च में मेरे पास लिखा हुआ नाम है, तो वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। कोई बंदा ना वो देखने के लिए जाए, यार देखो एक तो रास्ता उसका उधर का ना जाने का, हम ना आज से ना तकरीबन 6 महीने पहले ना उस जगह पर गए थे, ऊपर हम लोगों ने ना पहाड़ी पर बैठ के खाना खाया कलर का हार की। उधर एक बंदा बोल के कहता आगे जाएं यार, आगे झील देख के आएं, आगे झील बहुत प्यारी है। हमने कहा यार वाकई बड़ी प्यारी होंगी, हमने कहा चलो नेक्स्ट टाइम जाएंगे। हमने आज प्रोग्राम बनाया कि चलो यार चलते हैं। हम लोग गए उधर, उधर जाके जलील प्रोग्राम था, रास्ता इतना टूटा हुआ, इतना ख़राब कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और जब उधर झील पर पहुंचे और आप लोगों ने वो झील देख ली होगी कि वो छपड़े एक टाइप का लग रहा था। उसके बाद वापसी मैं कहता हूँ तंग हो गया है, और आते ही जब जिधर से खाना खाया रेस्ट एरिया से, मैं कहता हूँ और वो भी खाना जलील प्रोग्राम। हाँ चलो कोई नहीं, इंजॉय तो फिर भी थोड़ा बहुत हो गया आपके भाई का, लेकिन थक गए हैं, ठीक है। तो यार मैं यहाँ पर ब्लॉगिंग को एंड कर रहा हूँ। अभी तक तुम लोगों में से किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, बेल आइकन को भी दबा दो। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक अपने बैग को चाहते तो ओके अल्लाह हाफिज़।